सपोज करो आपके पास एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर अपने आसपास क्या लगाती है, बी लगाती है, इसके ऊपर लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, नहीं आएगा, तो इसमें बी लगाएगी, ये रॉड है, इस रॉड को वी वेलोसिटी से ऊपर मूव करवा रहे हैं। अब होगा क्या, इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड पड़ी हुई है जिसको मूव करवा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, थंब करंट के साथ है, बी कैसे होगा, इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनसाइड है और ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई रॉड जाएगी, तो इसमें क्या डेवलप होगी, मोशनल ईएमएफ। तो मुझे पता है कि जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई जाती है तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बीएलवी। प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर लगा नहीं सकता वो, क्यों, क्यों सीधा बीएलवी से आंसर नहीं आएगा वो, क्यों, क्योंकि क्योंकि बी चेंज हो रहा है, क्योंकि इस वायर ने यहाँ पे ज़्यादा बी जनरेट करना है, यहाँ पर कम 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 और कम, तो आप सीधा बी एल वी लगा नहीं सकते। बी एल वी तभी लगता है सीधा जब बी कांस्टेंट होता है, जब बी चेंज हो रहा है फिर लगेगा नहीं, फिर एक काम करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो पहले इसका स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, इस एलिमेंट की दूरी कितनी है, एक्स है, लेंथ क्या है, डी एक्स है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स दूरी पे म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय एक्स, इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ पर छोटी सी मोशनल ईएमएफ क्या होगी, बी इंटू लेंथ डी एक्स इंटू वी, वी पूरी रॉड की सेम है, तो यहाँ पर बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय एक्स, ये छोटी ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ निकालनी है तो लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर है जब एक्स की वैल्यू क्या है, आर, और आखिरी एलिमेंट यहाँ पर है जब एक्स की लिमिट क्या है, आर प्लस एल, तो आर से लेके आर प्लस एल, तो यहाँ से 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग एक्स, आर से लेके आर प्लस एल, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म आंसर। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे पहले बी निकलेगा, फिर छोटी ईएमएफ निकलेगी, फिर पूरी ईएमएफ निकलेगी, राइट?